नमस्कार, मैं विजय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बांदा की हदौली स्थित कासिम कॉलोनी हमेशा से ही अपराध और गोरख धंधे के लिए प्रसिद्ध है। इस कॉलोनी में कुछ महिलाओं का गैंग सक्रिय है जो कि गैर कानूनी धंधों में संलिप्त है और इनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को झूठा और फर्जी मामले में फंसा दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जहाँ कॉलोनी की ही एक दबंग महिला पर पुरानी रंजिश के चलते नाबालिग किशोर को जहर खिलाकर हत्या करने का मामला संज्ञान में आया है। परिजनों ने किशोर को बेहोशी की हालत में बांदा ट्रामा सेंटर भर्ती कराया, जहां दो दिन के उपचार के बाद किशोरी की गंभीर अवस्था में देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया गया है। पीड़ित पिता ने कानपुर जाने से पहले बांदा एसपी को ज्ञापन देते हुए महिला पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही महिला के ऊपर बीजेपी विधायक का संरक्षण होने का भी दावा किया है। दुकान से तो सुमन और एक बिटिया थी, दोनों लोग ने मुझको मिलके ढकेल दिया पहले, फिर मिलकर के मुझे बेहोश कर दिया, फिर कुछ सुखा दिया, फिर अपने आप से बेहोश हो गए। तो फिर मुझे फिर सफेद कपड़े से मेरे मुंह में कुछ डाल रही थी तम्बाकू जैसे, उसमें वे डाले थी जहरीली चीज। आपको कैसे पता कि जहरीली चीज है? अंकल जी लड़की बता रही थी मुझसे। कौन लड़की बता रही थी? वही। क्या नाम है उस लड़की का? बता कर बस भाग गई है। क्या नाम है उस लड़की का? उस लड़की का नाम नहीं है मालूम। अच्छा, कौन है ये सुमन? कहाँ रहती है? मतलब हमारी कॉलोनी में रहती है। कौन सी कॉलोनी में? हाँ, काशीराम कॉलोनी। काशीराम कॉलोनी में। अच्छा, कितने लोग थे तुम्हें जहर खिलाने में? जहर खिलाने में कोई नहीं था अंकल जी। को था? सुमन थी और एक लड़की थी जो उसके साथ मुझे बेहोश करा था। दो बस मैं तो नहीं देखा है, अकेले गई थी। अब स्कूल छोटा वाला लड़का नहीं गया साथ में, अकेले गई थी। कहा मम्मी हम जा रहे हैं, मगर चले जाए। फिर वहाँ लौट के आई, ये कह रही थी कि मुझे कोई कुछ खिलाया। बस इतना मैं तो वहाँ नहीं देखा है। क्या बताया, कौन लोग थे, क्या खिलाया है, कुछ बताया? पहले तो कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन अब बता रही है जब होश आया। क्या बताया उसने? ये बताया कि मुझे पहले मैं साइकिल ऊपर चढ़ा रही थी और चढ़ा करके बाद वो एक बिटिया धक्का दे दिया है। सुमन ने कहा है कि इसको धक्का दे दो, ये अपने धक्का दे दिया तो बस इसमें जो है शीशे सुमन तुरंत दिया है। वो बिटिया को पहचानती नहीं है बिटिया को, और बस एक बार नाक में मुँह लगाया तो ये थोड़ी थोड़ी बेहोश हुआ। अच्छा, ये बताइए किस तरह की कार्यवाही चाहती है आप उसके खिलाफ? मैं ये कहा चल की जाओ, तो मैं 3 दिन से मैं बिटिया ले पड़ी हूँ। वो तरह के दुर्गत हुआ कि वो हिले ना पावे, संभल ले। इन तरह के प्रशासन और शासन लग जाए, बेटी जो तरह के 3 दिन। जिस तरह से पुलिस उसके साथ मिली है, बताते हैं चौकी इंचार्ज से कुछ मिलो। कौन सा चौकी इंचार्ज? चौकी इंचार्ज नाम नहीं है। चौकी इंचार्ज मिले हैं? हाँ, का धमकी दे चुके हुए चौकी इंचार्ज। हाँ, क्या कहते थे? ये कह रहे थे कि तुम अबे सुलह हो जाओ, नहीं हम कहा तुम्हें कार्रवाई ऐसे करेंगे, घूमते रहो। किस बात की सुलह करवाना चाह रहे थे? ये कि लड़का जेल ना जाओ का, किस बात की हरकत करके बस अपना घुस जाओ। क्या मामला हुआ था? मामला हमारा जिस महिला ने हमारी बच्ची को एक खिलाया है, तो उसके लड़के ने जो है अगस्त में इसी 18 में। क्या नाम है उस महिला का? महिला सुमन वर्मा। कहाँ रहती है? काशीराम कॉलोनी में रहती है। उसके लड़के क्या नाम है? शुभम नाम है। क्या करती है वो? वो उसके मतलब तमाम धंधे हैं अनैतिक। कैसे टाइप के? चरित्रहीन महिला है वो जी। तमाम प्रकार के दुष्कर्म के काम करती है वो, तमाम लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसाती है। कितने लोगों को अभी तक फंसा चुकी है? अभी तक तो मेरी जानकारी में 10-12 केस ऐसे हैं जो मुझे जानकारी है और लिस्टेड है। किसी नेता या पुलिस अधिकारी से उसके? हाँ, उसके पुलिस से ज्यादा ताल्लुकात है। और नेता किन अधिकारियों से? चौकी इंचार्ज शेखर उपाध्याय था, वो ज्यादा इसका सपोर्ट कर रहा था। और बाकी जो है थाने में भी इसकी पहुंच है, प्लस विधायक जी के यहाँ भी पहुंच है। कि विधायक जी के यहाँ किस माध्यम से पहुंच है उसकी? अब उसके पास वैसे यही धंधा है, लड़की भी है उसकी और उसके पास भी तो, मतलब उसके और कोई काम नहीं है। तो क्या विधायक जी भी चरित्रहीन है? अब ये तो मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन उसके चरित्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो देखने वाले देख रहे हैं, जो प्रमाण है। क्या घटना घटी थी आपके साथ, आपकी लड़की के साथ? मेरी लड़की के साथ दुष्कर्म किया था उसके लड़के ने 20 अगस्त को। उसके लड़के क्या नाम है? शुभम ने। कितनी उम्र होगी उसकी?
उसकी उम्र होगी 16-17 साल। FIR वगैरह हुई उसकी कुछ? FIR हुई थी, वो जेल भी जा चुके थे जी। फिर उसने जो है सुमन वर्मा ने हमारे खिलाफ जो है दबाव बनाया, हम राजी नहीं हुए। जब राजी नहीं हुए तो हमारे लड़के के खिलाफ, बड़े लड़के के खिलाफ उसने फर्जी रिपोर्ट दर्ज करा दी 8 अक्टूबर को। फिलहाल क्या घटना घटी? तो 8 अक्टूबर के बाद जब उसमें भी नहीं उसका बोध लगा, तो आज 3 तारीख को सवेरे हमारी लड़की सुबह 7:30 बजे के लगभग जो है विद्यालय जा रही थी, रास्ते में इसको रोक करके कोई चीज नशीली इसको सुंघा दिया बच्ची को। ये लड़खड़ाने लगी और इसको मुंह दबा करके जबरदस्ती इसके मुंह में पता नहीं क्या चीज खिला दिया है, तब से इसका दिमाग नहीं काम। वहाँ कोई और भी मौजूद था? वहाँ अब ये नहीं बता पा रही कितने लोग मौजूद थे, लोगों ने उठाया, अब ये बच्ची बता सकती है। खिलाया किसने? सुमन वर्मा ने खिलाया है। अभी एक रोशनी नाम की बच्ची का मामला आया है, इसको कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया था, उसको यहाँ पे गंभीर हालत में भर्ती किया गया है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसको कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। किस तरह का पदार्थ होगा? कोई ऐसी कुछ नशीला पदार्थ बताया गया है, फिर घर वालों ने बताया गया कि नशीला पदार्थ खिलाया। बांदा से हमारे संवाददाता अरबाज खान की खास रिपोर्ट।